Good morning to all of you. Now, हम लोग reasoning का session start कर रहे हैं और reasoning के session में क्या है कि आप लोग 6 से लेके 10th तक same pattern को follow करोगे. Same pattern को follow करना है आपने, ठीक है. तो हमने ये जो reasoning start की है ये सिर्फ बच्चों की स्किल इम्प्रूव हो जाए उस चीज़ के लिए स्टार्ट की है. तो आई होप आप लोगों को मज़ा आने वाला है इन सेशनों में. तो प्लीज़ जुड़े रहिए, ठीक है. बहुत ज़्यादा काम करिए रीजनिंग पे, बहुत मज़ा आने वाला है. तो सबसे पहला जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है रीजनिंग के अंदर पहला टॉपिक हम करेंगे अल्फ़ाबेटिक या अल्फ़ाबेटिक सीरीज़. तो पहला काम ही हम अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ पर करेंगे और इस अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ के लिए हमें कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं. हमें क्या करना होगा, हम लोग बना देते हैं अल्फ़ाबेटिकली सीरीज़ यूं ही बना देते हैं कि चलो देखा और कर दिया, बना दिया. लेकिन इसके लिए एक अलग तरीका होता है. आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले जो हमारे ए से लेके जेड तक 26 अक्षर हैं उनको मैथमेटिकली याद करोगे कि कौन सा नंबर कौन सी पोजीशन पर है. तो हम स्टार्ट करते हैं उस चीज़ को लेके कि आपको ये याद रखना है. देखो ए कितने पर है, एक पर. बी कितने पर है, दो पर. सी कितने पर है, तीन पर. डी कितने पर है, चार पर. ई कितने पर है, पांच तक. तो आप इन नंबर्स को तो बड़ी आसानी से याद कर लो, बड़े आसान से नंबर हैं कि ए एक पर है, बी. जब आप रीजनिंग करोगे तो रीजनिंग में आपको टाइम छोटा करना है, तो आपको ये चीज़ें याद करनी होगी ताकि आप बहुत तेज़ी से क्वेश्चन कर सको. तो उसके बाद एफ, जो एफ आता है उसके लिए ट्रिक है हमारे पास. एफ का मतलब होता है फिक्सिंग, एफ का मतलब होता है फिक्सिंग, और फिक्सिंग को बोलते हैं सिक्सर. तो अगर इसको सिक्सर बोलेंगे तो सिक्सर का मतलब होता है छः. तो आप इस कहानी को याद रखोगे कि एफ कौन से नंबर पर है, छः नंबर पर है. तो बड़ी आसानी से दोबारा समझ लो कि एफ, एफ मतलब होता है फिक्सिंग, फिक्सिंग के बाद सिक्सर, फिक्सिंग का मतलब होता है सिक्सर. तो ये किस नंबर पर है, छः. तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि एफ छः नंबर पर है. एफ के बाद आ जाओ जी. बड़ा आसानी से आपको दिख रहा है जी में जब हम बनाते हैं तो ये सात बनाते हैं, तो जी किस नंबर पर है, सेवन नंबर पर. दोबारा से इसको बार बार एनालाइज करो कि जी कौन से नंबर पर है. जी में क्या बनता है, सात बनता है. जी में बनता है सात, जी में सात बनता है, जी में सात बनता है. इसीलिए जी किस पर है, देख लो कि जी ये सात बन गया. तो इसीलिए जी कितने पर है, सात नंबर पर है. जी के बाद एच. अगर एच को मैं दिखाऊं तो बड़ा आसानी से आप समझ जाओगे कि कौन से नंबर पर है. इसको कंप्लीट करो, इसको कंप्लीट करो, देन आपके सामने एक इमेज आ रही है और ये इमेज है आठ की. तो एच, एच कितने पर है, आठ पर. तो बड़ी आसानी से आपने समझ लिया, आपको याद हो गया कि एफ कितने पर है, सिक्स पर. जी, जी कितने पर है, सेवन पर. मैं आपको बोलूं और आपको पता होना चाहिए एच कितने पर है, आठ पर. तो आपने यहां तक एच का सीख लिया कि एच कितने नंबर पर है. एच के बाद अगर आप आ जाओ तो एच के बाद आता है आई. तो आई जब कई बच्चे क्या करते हैं, आई ऐसे बनाते हैं, कई बच्चे आई ऐसे बनाते हैं, कई बच्चे आई इस तरीके से स्मॉल बनाते हैं. लेकिन ये आप आई देखो, ये आई आपको क्या शो कर रहा है कि आई कौन से नंबर पर है, नाइन्थ नंबर पर है. आई कौन से नंबर पर है, नाइन्थ पर. जब आप देखोगे कि आई कौन से नंबर पर है, नाइन नंबर पे, तो आपको ये इमेज अपने दिमाग में बना लेनी है कि एफ, एफ का मतलब होता है फिक्सर, फिक्सर का मतलब होता है, फिक्सिंग का मतलब होता है सिक्सर. तो आप उसको छः पे याद रखो. जी फटाक दिन से याद आना चाहिए, जी में सात बन रहा है तो सात याद कर डालो. ये पहले पांच याद रखो. एट, एच, एच में क्या बन रहा है, आठ बन रहा है, आप आठ याद रखो. आई, आई कैसे लिख सकते हो आप, नाइन. उसके बाद आता है जे. जे के लिए आपको याद रखना होगा जे टेन पर है. इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है हमारे पास. जे का याद रखोगे आप, जे, जे का मतलब होता है टेन, ठीक है. के, के तो आपको पता ही है, हरियाणवी में एक भाषा है या हरियाणवी में बोलते हैं कि इंग्लिश का, इंग्लिश का ग्यारहवां अक्षर, ग्यारहवां अक्षर के है.
के है, तो ईब आपने इस बात का तो बेरा है पाट गया, ठीक है। तो इंग्लिश में ग्यारहवां अक्षर के है, तो तुमने यह बात याद रखनी है, और तुमको ये बात याद रखनी है बड़े अच्छे से कि ग्यारहवें अक्षर पर क्या आता है, के आता है। तो आप यहां तक अच्छे से समझ लें कि अल्फाबेटिक जब सीरीज करने जा रहे हो तो पहले आप इस बेसिक को अच्छे से कर लें। आपने याद कर लिया कि ग्यारहवां अक्षर क्या है, के है। जे कितने पर है, 10 पर। आई कितने पर है, इमेज रखो 9 पर। एच कितने पर है, 8 पर। जी कितने पर है, 7 पर। और एफ कितने पर है, 6 पर। तो इतने तक आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और हमेशा इसको मेमोराइज करते रहिए। उसके बाद अब आपका आएगा के, आ गया तो के बाद जो अगला अक्षर है वो है एल। अब देखो आप एल, एल कैसे बन रहा है, मैं ग्यारहवें अक्षर तक पहुंच चुका, एक डंडा दो डंडे। जब ये दो डंडे हैं तो एल कितने पर है, 1, 2, 12 पर। दो डंडे होने के कारण आप यहां ग्यारहवें पर आ गए, तो एल के अंदर कितने डंडे हैं, दो डंडे हैं, इसीलिए एल कितने पर है, 12 पर। याद रखो एल के बाद आता है एम। अब एम में आपको दिख रहा है उल्टा तीन बन रहा है, उल्टा तीन। अब उल्टा तीन अगर इसमें बन रहा है, देख लो इस तरीके से कि एम इस तरीके से, ये तीन है, तो एम कितने पर है, 1 तो लगा दो, 13 पर। तो एम कितने पर हो गया, 13 पर। ये ट्रिक्स आपको याद रखनी होगी, ट्रिक्स करो आपको मजा आएगा करने में कि एम कितने नंबर पर है, 13 नंबर पर है। एम के बाद एन। अब देखो एन में मैं आपको बताता हूं एन में कैसे याद रखना है आपने। देखो एक ये 7 है और एक यहां से ये 7 है, दो 7 है, एक ये 7 बन गया और एक यहां से जब मैंने जोड़ दिया तो ये 7 बन गया, तो दो 7 बन गए, इसीलिए 7 और 7 कितना होता है, 14। तो आप इस चीज को याद रखो कि एन कौन से नंबर पर है, एन आपका है 14वें नंबर पर। तो आप ये याद रखेंगे कि एन कितने पर है, 14th नंबर पर है। तो एन को आपने याद रखना है कि एन कौन से नंबर पर है, 14 नंबर पर है। तो इस तरीके से आप याद करोगे और हमेशा याद रख लोगे। एक दिन मैं आपको प्रैक्टिस सेशन दूंगा कि आप अपना लर्न कर लो, फिर हम सीरीज करेंगे, ठीक है। तो एन कितने पर है, 14 पर। अब एन के बाद आ जाता है ओ। अब ओ के लिए फिर आपको याद रखना है कि ओ कितने पर है, 15 पर। ओ कितने पर है, 15 पर। तो ये बात मैंने पहले बता दी। जे को आप याद रखोगे 10 पर है। ओ के लिए कोई ट्रिक नहीं है हमारे पास, तो ओ के लिए आपको याद रखना होगा कि ओ 15 पर है। अब ओ के बाद अगर हम चलें, तो ओ के बाद अगर हम देखें, तो ओ के बाद बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। ओ के बाद आता है पी। अब पी में क्या बन रहा है, आप देखो 6 बन रहा है। पी में क्या बन रहा है, 6। तो इसीलिए पी कितने पर है, 16 पर। पी में क्या बनता है, ध्यान से देखो, इसको उल्टा 6 है, ये भी क्या है, उल्टा 6। तो उल्टा 6 होने के चक्कर में, तो इसीलिए मैंने इसको क्या दे दिया, 16। तो आपको याद हो गया कि पी कितने पर है, 16 पर। ओ कितने पर है, 15 पर। याद रखना आपने एन, एन तो सोच लो, एन एक ये बन गया तो 14। एम आपको पता चल गया, उल्टा एम, वो 13 पर है। एल में दो डंडे हैं, 12। दो बार प्रैक्टिस करोगे आपको क्लियर हो जाएगा। पी के बाद आपका आता है क्यू। क्यू कौन से नंबर पर है, कई बार बच्चे क्यू इस तरीके से बनाते हैं, क्यू। तो जब क्यू की बनावट आपके सामने है कि क्यू इस तरीके से बनाना है हमने, तो इसमें भी आपको 7 नज़र आ रहा है, तो क्यू कितने पर है, 17 पर। क्यू में भी क्या नज़र आ रहा है आपको, एक 7 नज़र आता है, इसीलिए क्यू को क्या मानोगे कि क्यू कितने नंबर पर है, 17 नंबर पर आपका क्या आता है, क्यू आता है। तो ये बात आप याद रखें कि क्यू कितने पर है, क्यू है 17 पर। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं आर, अगर आर देखोगे तो आर को भी इस तरीके से कंप्लीट करके देखो, किसकी शेप है, 8 की शेप है ये। तो अगर 8 की शेप है तो ये कितने पर है, 18 पर। तो आप सबको याद हो जाएगी इंग्लिश अल्फाबेटिकली सीरीज की आर कितने पर है, 18 पर। आर के बाद आप बनाओ एस, तो एस में अगर आप देखोगे तो एस को मैं इस तरीके से कंप्लीट कर दूं, तो एस कितने पर हो गया, 9 की फिगर है या 9 की फिगर आ रही है यहां पे, तो इसीलिए एस कितने पर है, 19 पर। एस कितने पर है, 19 पर। आपके सामने है, दोबारा से बना के दिखाता हूं मैं आपको कि एस ये है, इसको कंप्लीट करो तो ये 9 बन गया, इसीलिए एस कितने पर है, 19 पे। तो एस भी आपको समझ में आ गया बच्चा कि एस कितने पर है, 19 पे। तो आई होप एल देख लो, एल में दो डंडे, बार बार रिपीट कर रहा हूं, 12 पे। एम उल्टा 3 तो 13 पे। एन, एन में दो डंडे आ रहे हैं तो 14 पे। ओ अगर आपको देखो तो बड़ा सिंपल सा है, 15। P
पी अगर देखोगे तो आप पी कितने पर है, उल्टा 6, 16। क्यू में क्या बनता है, 7, तो इसीलिए 17। आर को कंप्लीट कर दो तो 8, 18। एस को कंप्लीट कर दो तो 19। उसके बाद टी, अगर आप टी देखोगे तो टी फोर क्या होता है, 20। टी फोर क्या होता है, 20 होता है, तो ये तो 20 पे है ही, तो टी फोर क्या हो गया, 20। तो 20 जो है वो 20 पर ही है, ठीक है, ये बात आप याद रखें कि 20 किस पर है, 20 पर है। तो टी के बाद अब आपका एस कंप्लीट हो गया, टी कंप्लीट हो गया, जो 21 है वो आपको याद रखना है, वो है यू। यू कितने पर है, 21 पर। ये आप याद रखो, यू के लिए नॉट ट्रिक, आपको याद करनी है कि यू कितने पर है, 21 पर। यू के बाद अगर आप वी देख लो, वी एक डंडा ये, एक डंडा ये, दो डंडे, तो दो डंडे के कारण हम अगर 21 से आगे आ गए तो दो डंडे होने के कारण वी कितने पर है, 22 पर। वी भी आपको क्लियर हो गया कि वी हमारे पास कितने पर है, 22 पर भैया, तो वी को क्लियर कर लो कि वी इज ऑन 22। वी के बाद अगर आप देखते हो, वी के बाद अगर आप देखते हो तो वी के बाद आपको नजर आता है डब्लू, वी के बाद डब्लू। अब डब्लू तो सबको नजर आ रहा है, 3 है ये, तो 3 है तो इसीलिए 23। डब्लू में भी किसकी शेप है, 3 की शेप है भैया, 3 देख लो इस तरीके से डब्लू, तो 3 होने के कारण मैंने क्या लिखा डब्लू को, 23 लिखा। डब्लू के बाद आता है आपका एक्स, डब्लू एक्स। अब एक्स, एक्स में देख लो 1, 2, 3, 4, 4 डंडे होने के कारण एक्स कितने पर है, 24 पर। तो आप एक्स को भी याद कर ले कि एक्स 24 पर है। एक्स के बाद वाई और जेड आप याद रखेंगे, 25 और 26। तो इस तरीके से आप अपनी अल्फाबेटिकली सीरीज कर सकते हैं। तो एक्स वाई जेड, अगर आपको कभी भी अल्फाबेटिकली सीरीज बनानी है, कितनी मुश्किल अल्फाबेटिकली सीरीज आ जाए, तो आप बड़ी आसानी से इन नंबरों के सहारे कितनी भी अल्फाबेटिकली सीरीज मुश्किल हो आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप पहले ही अल्फाबेटिकली सीरीज लर्न कीजिए, उसके बाद हम इस अल्फाबेटिकली सीरीज के क्वेश्चंस आंसर करेंगे। तो आप इस चीज़ को अच्छे से याद करें, एक दिन फोकस करें, आपको अच्छा लगेगा, आप याद करें, बार बार जाएं इस चीज़ के ऊपर कि V 22 पर है, T 20 पर है, W आपको याद होना चाहिए 23 पर है, X 24 पर है, Y 25 पर है और Z 26 पर है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, अच्छे से कर लेना, धन्यवाद। ओके.